हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं हाथ के स्टेचू बने हुए हैं काफ़ी बड़े बड़े। तो आप देख सकते हो फिलहाल में ये हाथ के स्टेचू बने हुए हैं। तो अभी हम आगे से दिखाएंगे आपको कितने बड़े हैं जी। तो दोस्तों देख सकते हो फिलहाल में हाथ का स्टेचू बना हुआ है कुछ इस प्रकार से, और दो हाथ, और ये ही मेन गेट है हॉल में अंदर जाने के लिए, जो होटल है वहाँ पे। और देख सकते हो किस प्रकार से डिज़ाइन दी गई है यहाँ पे। और देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। अभी यहाँ पे कुछ फ़ोटो क्लिक करवाएंगे। और काफ़ी बड़ी बड़ी उंगली भी हैं इसकी, और काफ़ी बड़ा हाथ के दो स्टेचू रखे हुए हैं। और फिर यही एंट्री गेट है इसका, कुछ इस प्रकार से अंदर जाते हैं। तो अभी फिलहाल में ये मंडप बना हुआ है शादी का, तो इसे खोलेंगे। तो अभी इसे ये खोल रहे हैं, फिर इसे यहाँ से उखेर के बाहर ले जाएंगे। तो अभी थोड़ा बहुत रह गया खोलने के लिए। और यहाँ पे फूल वगैरह यहाँ पे इसके निकाल दिए गए हैं, ये देखिए। तो हम वृंदावन आए हुए थे, तो जहाँ पे ओमैक्स कॉलोनी में जो हेमा मालिन की कोठी है, तो हम उसके पास पहुँच चुके हैं। देख सकते हो पीछे हमारे, तो काफ़ी बड़ी कोठी है यहाँ पे, दो कोठी इन्होंने ले रखी है। तो देख सकते हो पहली कोठी जी है हेमा मालिन की, और दूसरी अभी गेट के सामने है। तो फिलहाल कोठी देखिए आप। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पे वो है नहीं, अभी गार्ड साहब इसमें हैं और गेट लग रहा है इसका। तो कोठी आप चेक कर सकते हैं। तो हम उनके घर के बिल्कुल करीब ही खड़े हैं, देख सकते हो फिलहाल में। तो देख सकते हो फिलहाल में कुछ इस प्रकार से उनकी कोठी, और इधर देख सकते हो इधर काफ़ी बड़ी कॉलोनी है ये। तो दोस्तों अभी फिलहाल में ये फूल है यहाँ पे, तो इसकी छटाई हो रही है, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रकार के फूल मिले हुए हैं। आप देख सकते हो ऐसे गुलाब के और जो सफ़ेद कलर के काफ़ी प्रकार के मिले हुए रखे हैं। तो हम इनको छांट रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं कौन सी वैरायटी का फूल है। ये देख सकते हो यहाँ पे ढेर लग रहा है, और इधर भी ढेर लग रहा है। तो अभी फ़िलहाल में ये लाल वाले फूल यहाँ पे रख रहे हैं, और जो वाले हैं इस तरफ रख रहे हैं, और इधर भी निकाल के रख रहे हैं इसमें से यहाँ पर। और अभी ये ढेर हमें ऐसे इस पूरे फूल का सही करना है, और इधर इधर भी भरा रखा है। तो अभी हमारा काम यही है, इसको सफाई करनी है इस पूरे फूल की, अलग अलग करके रखना है। तो फूल देख सकते हो फिलहाल में कितना है, और वो वाले कट्टों में हमने पूरा सफाई करके रख दिया है फूल जो छांट के। तो अभी हम इसको भी छांट कर सही करके रखते हैं। और अभी फैला रहा तो देख सकते हो छत पर कितना ज़्यादा है।